हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एबल टू के 17th कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 17वें कॉन्सेप्ट के बारे में। सब्जेक्ट वाज वर बीइंग एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, करता कुछ कर पा रहा था। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया है इज एम आर बीइंग एबल टू, मतलब करता कुछ कर पा रहा है, जो इसी का प्रेजेंट टेंस था, है ना। तो इज एम आर बीइंग एबल टू प्रेजेंट, वाज वर बीइंग एबल टू इसी का पास्ट। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? करता कुछ कर पा रहा था, जैसे वह बाजार जा पा रहा था, मैं उससे बात कर पा रहा था, मैं उसको समझा पा रहा था, वह दरवाजा खोल पा रहा था, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर पा रहा था, हम इंग्लिश बोल पा रहे थे, वे इंग्लिश सीख पा रहे थे, मैं क्लास को मैनेज कर पा रहा था, मैं सुबह जल्दी उठ पा रहा था, वह रात में जल्दी सो पा रहा था, वह बिजनेस शुरू कर पा रहा था, मैं उनको डरा पा रहा था, वह डर पा रहा था, वह लोगों की मदद कर पा रहा था। तो करता कुछ कर पा रहा था, तो हम लोग सब्जेक्ट वाज वर बीइंग एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बाजार जा पा रहा था, सो आई वाज बीइंग एबल टू गो टू मार्केट, यहां आ पा रहा था, so he was being able to come here, मैं उन्हें motivate कर पा रहा था, so I was being able to motivate them, वे नया business शुरू कर पा रहे थे, so they were being able to start a new business, राम सुबह जल्दी उठ पा रहा था, so राम was being able to wake up early in the morning, electrician fan repair कर पा रहा था, so electrician was being able to repair fan, मैं उन्हें कॉन्सेप्ट समझा पा रहा था, सो आई वॉज बींग एबल टू एक्सप्लेन दैम कॉन्सेप्ट, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहे थे, सो वी वर बींग एबल टू सेलिब्रेट बर्थडे, हम मोहन को गिफ्ट दे पा रहे थे, सो वी वर बींग एबल टू गिफ्ट मोहन, मोहन मुझे इग्नोर कर पा रहा था, सो मोहन वॉज बींग एबल टू इग्नोर मी, किसान खेत में बीज बो पा रहा था, सो फार्मर वॉज बींग एबल टू सो सीड्स इन द फार्म, वे अच्छे से खेती कर पा रहे थे, so they were being able to farm properly, जैसे वह मुझे बदनाम कर पा रहा था, so he was being able to defame me, मैं आपके insult कर पा रहा था, so I was being able to insult you। इस तरह हम लोग यहां पर सेंटेंसेस बनाते हैं, करता कुछ कर पा रहा था। गाइज, यहां पर भी कुछ सेंटेंसेस है, वह गाना गा पा रहा था, हम उसे समझा पा रहे थे, वह पैसे कमा पा रहे थे, राधा अब धीरे धीरे चल पा रही थी, पापा खाना खा पा रहे थे, टीचर बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा था, बच्चे डांस सीख पा रहे थे, मैं अब लोगों की मदद कर पा रहा था। इसको बनाएंगे कैसे, आइए ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के माध्यम से करते हैं। जैसे वह गाना गा पा रहा था, सो ही वॉज बींग एबल टू sing a song, वह गाना गा पा रहा था, so he was being able to sing a song, हम उसे समझा पा रहे थे, so we were being able to explain him, हम उसे समझा पा रहे थे, so we were being able to explain him, वे पैसे कमा पा रहे थे, so they were being able to, they were being able to earn money, earn money, so they were being able to earn money, राधा अब धीरे धीरे चल पा रही थी, so राधा was being able to walk slowly now, अब है ना, so राधा अब धीरे धीरे चल पा रही थी, so राधा was being able to walk slowly now, पापा खाना खा पा रहे थे, so father was being able to eat food, पापा खाना खा पा रहे थे, father was being able to eat food, teacher बच्चों को motivate कर पा रहा था, so teacher was being able to motivate students, बच्चे dance सीख पा रहे थे, so children were being able to learn dance, ठीक है, so children dance सीख पा रहे थे, children were being able to learn dance, मैं अब लोगों की मदद कर पा रहा था, so I was being able to help people now, मैं अब लोगों की मदद कर पा रहा था, सो आई वॉज बींग एबल टू हेल्प पीपल नाउ। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने वॉज वर बींग एबल टू के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने को सीखा। आइए समझते हैं, अगर एक ही सेंटेंसेस को पांचों पैटर्न में बदलना हो तो कैसे करेंगे। जैसे वह पैसे कमा पा रहा था, अगर इतना बोलना है, वह पैसे कमा पा रहा था, सो ही वॉज बींग एबल टू अर्न मनी,
वो पैसे कमा पा रहा था, ही वॉज बींग एबल टू अर्न मनी, वो पैसे नहीं कमा पा रहा था. सो ही वॉज नॉट बींग एबल टू अर्न मनी, ही वॉज नॉट बींग एबल टू अर्न मनी. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉट और एबल टू को कनेक्ट कर दो. ही वॉज बींग अनएबल टू अर्न मनी, ही वॉज बींग अनएबल टू अर्न मनी. क्या वो पैसे कमा पा रहा था? सो वॉज ही बींग एबल टू अर्न, वॉज ही बींग एबल टू अर्न मनी. क्या वो पैसे कमा पा रहा था? वो पैसे क्यों कमा पा रहा था? सो वाई वॉज ही बींग एबल टू अर्न मनी, वो पैसे क्यों कमा पा रहा था? सो वाई वॉज ही बी वाई वॉज ही बींग एबल टू अर्न मनी. और कौन पैसे कमा पा रहा था? सो हु वॉज बींग एबल टू अर्न मनी, कौन पैसे कमा पा रहा था? सो हु वॉज बींग एबल टू अर्न मनी. सो गाइज, यहां में हम लोगों ने एक सेंटेंस को सभी में वॉज वर बींग एबल टू वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की. तो जो ये हमारा एबल टू वाला 17 कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा जो वॉज वर बींग एबल टू वाले फॉर्मेट में था. सो गाइज, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की एबल टू में, लगभग 17 हो चुके हैं. उम्मीद करता हूं सभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच for watching this video till the end.